सोलन नगर परिषद के मनोनीत पार्षद अमन सेठी और जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव रोहित शर्मा ने प्रेस वार्ता कर नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। पार्षद अमन का कहना है कि नगर परिषद रेडियो के लाइसेंस ट्रांसफर करने की आड़ में अपनों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है और जो पात्र लाइसेंस धारक हैं उनके लाइसेंस का नवीनीकरण तक नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ माह पूर्व रेडियो के लाइसेंस जांच करने के लिए जांच कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की अध्यक्षता एसडीएम सोलन ने की थी, जिसकी जाँच में पाया गया था कि अधिकतर रेडियां सबलेट हैं और सब रेडियां बेरोजगारों को नहीं रसूखदारों के कब्जे में है, लेकिन उस जांच पर कोई कार्यवाही आज तक अमल में नहीं लाई गई। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव रोहित शर्मा ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद द्वारा रेडियो के लाइसेंस इसलिए दिए गए थे ताकि बेरोजगारी दूर हो सके, लेकिन नगर परिषद द्वारा ज्यादातर लाइसेंस अपने चहेतों को और रसूखदारों को दिए गए थे। अब इन लाइसेंसों के आधार पर नगर परिषद द्वारा बनाई जा रही मार्केट में दुकानें अलॉट की जानी है, जिसके चलते अब अपनों को दोबारा फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस ट्रांसफर करने का प्रस्ताव डाला गया है ताकि वह अपने चहेतों को फिर से रेवड़ियां बांट सके, जिसका वह पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर नगर परिषद फिर भी अपना फैसला रद्द नहीं करती है तो वह धरना प्रदर्शन भी करेंगे और न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे, लेकिन बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। भाजपा शासित नगर परिषद क्या अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस ट्रांसफर की जो रेजोल्यूशन लेके आया है वो क्या उनको फायदा पहुंचाने के लिए लेके आया है? उस ट्रांसफर को लेकर कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है तथा कांग्रेस पार्टी की ये मांग है जिन वेंडर्स का, जिन रेडी फड़ी वालों का उस पे जो नई वेंडर्स मार्केट बनी है उसका जो हक है वो उनको मिले। जो अगर लाइसेंस ट्रांसफर होते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, लाइसेंस ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। और नगर परिषद को सोलन में वेंडर्स के लिए, रेडी फड़ी वालों के लिए एक स्पेसिफिक नीति बनानी पड़ेगी जिसके तहत कोई भी बाहर का व्यक्ति सोलन में जो काम कर रहा है उसका पता चल सके कि वो व्यक्ति कौन है। किसी भी बाहर के व्यक्ति को इसका फायदा नहीं मिलना चाहिए। मुख्य तौर पे जो सोलन के रहने वाले बेरोजगार व्यक्ति है, जो असली हकदार है वेंडर्स मार्केट के, उन लोगों को ये वेंडर्स मार्केट मिलनी चाहिए। और अगर कांग्रेस पार्टी को इस तरीके की किसी भी अनियमितता का पता चला तो हम कोर्ट का दरवाजा अवश्य खटखटाएंगे तथा हम ये मांग करेंगे कि जो रेडी फड़ी मार्केट है वो रेडी फड़ी वालों को ही दी जाए।